नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं सत्यपरक भारत के इस खास प्रोग्राम आज टॉक विद कुमार में। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को लेकर बात नहीं कर रहे हैं और किसी राजनीतिक मुद्दे पर कांग्रेस, बीजेपी, पॉलिटिकल एनालिस्ट या किसी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे। आज हम बहुत गहरे और बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और ये सोलो होगा। सोलो का मतलब केवल मैं नहीं हूं, सोलो का मतलब मेरे एक और मित्र हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं। एके मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। इनके चाहने वाले इनकी राय और जो किसी मुद्दे को लेकर जो एक्सप्लेन करते हैं उसको बड़े सराहते हैं और ये बातें भी गुण मखज जिसे कहते हैं ना, गुण बिंदुओं पर बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इस्लाम को लेकर और काफिर हैं। एके मिश्रा भी वाजिबे कत्ल हैं, मैं भी वाजिबे कत्ल हूं, तो हम दोनों जो वाजिबे कत्ल हैं तो काफिर की निगाह में इस्लाम क्या है। हम दोनों काफिर हैं और हम इसे फक्र से कहते हैं। फक्र उर्दू का शब्द है साहब, तो उर्दू के शब्द का इस्तेमाल करके मैं इस बात को कह रहा हूं कि हम दोनों काफिर हैं और काफिर इस बात को बड़ी फक्र से कह रहा है कि काफिर की निगाह में इस्लाम क्या, क्या होता है इस्लाम और इस्लाम की कहानी काफिर की जुबानी। आज हम बात करेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, क्या पूरे विश्व में सत्ता प्राप्त करने का तरीका है इस्लाम, क्या आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होगा, आप लोगों के पास डेबिट कार्ड होगा, लेकिन कुछ खास लोगों के पास विक्टिम कार्ड होता है। ये विक्टिम कार्ड किस तरीके से प्ले किया जाता है इस्लाम में और इस्लाम और विक्टिम कार्ड एक दूसरे कैसे पूरक है, आज इस्लाम पर ही बात करेंगे। एके मिश्रा, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या इस्लाम को पॉलिटिकल टूल्स के तौर पर नहीं देखते? क्या आपको ये लगता है कि इस्लाम पॉलिटिकल टूल है और सत्ता प्राप्त करने के लिए ही इस्लाम का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है? देखिए जी, जनाब कुमार श्रीकांत जी, सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें बुलाया और मौका दे रहे हैं बोलने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। तो तहे दिल क्या से जुड़ गई जनाब, कातिल तो हम भी हैं, फर्क केवल ये है कि हम तलवार से नहीं, तर्कों से और ज्ञान से कत्ल करते हैं। अरे गजब गजब, ठीक है ठीक, मैं कातिल हूँ लेकिन मैं ज्ञान से और तर्कों से, हम लोगों का काम है कि जो है कत्ल करना और एक नया जीवन प्रदान करना। देखिए आपका जो सवाल है ना, उसके पहले एक मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि भाई मैंने इस्लाम का कोई भी टेक्स्ट या किसी मदरसे या विद्वानों से कोई डिबेट नहीं की है, एक भी पन्ना मैंने नहीं पढ़ा है, ना मुझे किसी आयत के बारे में पता है ना कुछ। और चलते फिरते हिस्ट्री की जो जानकारी मिलती है जनरल बातचीत में और व्यवहार को देखने पे, भारत में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे अगर ये मान लिया जाए कि मैं हिंदू आइडियोलॉजी को भी अपने दिमाग से निकाल दूं और इस्लामिक या कोई और आइडियोलॉजी को मैं अपने दिमाग से एकदम निकाल दूं, मैं अपने दिमाग को किसी भी आइडियोलॉजी से एकदम इम्प्टी कर दूं ताकि जो एक नेचुरल वे में दिखे कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, एक्शन क्या है, और उसके बेसिस पे जो साइंटिफिक परसेप्शन बनता है हम उसकी बात करेंगे। देखिए आपने जो बोला पॉलिटिकल टूल, तो इसको केवल पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल टूल में मत बांधिए। अगर प्राइमा फेसी देखा जाए तो इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसा रूल है, एक ऐसा नियम कानून है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि हर हालत में ये डिमांड करता है, ये चाहता है कि आपके अंदर इलिजिबिलिटी हो या ना हो। नॉर्मली दुनिया में हमेशा से नियम ये है, जो इलिजिबल रहेगा वो आगे बढ़ेगा, लेकिन इलिजिबिलिटी हो या ना हो, आप सही हैं या गलत हैं, लेकिन सर्वोच्च स्थान पे आपको रखा जाए, हर चीज पे आपका पहला हक हो। और हर चीज पे अगर मैं बोलूं आपका पहला हक हो, तो उसमें भी आप एक चीज कर लीजिए कि मर्दों का पहला हक हो, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो तो हैं ही, उस पे हक हो,
लेकिन इतने माइक्रो लेवल पे कि आपकी फैमिली में भी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आप सबसे बड़े बुजुर्ग हैं तो कुछ भी करने का पहला हक अधिकार आपका होना चाहिए बिना रोक टोक के। तो कहने का मतलब ये कि सुपर डोमिनेंस जिसको बोलते हैं, आप इसको पॉलिटिकल टूल बोलिए, अब सुपर डोमिनेंस की सिचुएशन को अचीव करने के लिए टाइम टू टाइम, अब देखिए जब जरूरत होगी तब ये पॉलिटिकल टूल बन जाएगा। आपके हाथ में एक औजार है, उसको आप बदल दीजिए, पॉलिटिकल टूल हो गया, इकोनॉमिक टूल हो गया, और जितने भी तरीके के टूल हो सकते हैं, सोशल मीडिया का टूल हो गया, नहीं कुछ हुआ तो जी आपने इस्लाम की बदनामी कर दी या बेइज्जती कर दी, वो भी एक इमोशनल टूल बन जाता है। तो वो समय के हिसाब से, और अभी नहीं, पूरे के पूरे आप देखिए इस्लाम का प्रादुर्भाव से लेकर के जहां जिस तरीके के टूल की जरूरत पड़ी है इन्होंने किया है। मतलब कहने का मतलब आप किसी और रिलीजन में देखेंगे, अगर मैं सनातन से कंपैरिजन करूं तो सनातन में एक हाँ बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है, जो जी बेस्ट है, जो शाश्वत सत्य है, उसी की जीत होगी और सबसे बढ़िया उसी को माना जाएगा, सबसे ज्यादा अधिकार उसी के रहेंगे। लेकिन यहाँ पे इन सब चीजों का नहीं है, उसके पीछे कारण है। इसके पीछे एक एग्जाम्पल देखिए, सनातन में कभी भी इस चीज के लिए लड़ाई नहीं होती है कि मैं बढ़िया हिंदू हूं और आप खराब हिंदू हैं, या मैं बड़ा हिंदू हूं आप छोटे हिंदू हैं। अगर कोई वैमनस्य या लड़ाई होती है तो वो ठीक है, जाति वगैरह जो सेकेंड और थर्ड ग्रेड का क्लासिफिकेशन आता है उसके कारण एक संघर्ष हो सकता है। लेकिन इस्लाम में आप ऐसी लड़ाइयां देखेंगे जैसे शिया और सुन्नी की लड़ाई है, वहां मुद्दा ही ये है कि मैं मुसलमान हूं और तुम काफिर हो, जबकि दोनों ही मुसलमान हैं। खारिज है, दूसरे को हाँ सीधे खारिज कर दिया जा रहा है। हाँ हाँ तो कहने का मतलब ये एक इतना फंसी सिचुएशन है यहाँ पे। इसको हमारे यहाँ सनातन में बोलते हैं मुंडे मुंडे मितर भिन्ना, मतलब जितने सर, भले ही ये लोग बोलते हैं कि इस्लाम की आइडियोलॉजी एक है, किताब एक है, सब बराबर है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर फुल जो है, मतलब अगर पूरी छूट दे दी जाए तो एक समुदाय में ही, जैसे सिया में या सुन्नी में ही, हर सुन्नी मुसलमान बोलेगा कि मैं मुसलमान हूं असली, और दूसरा सुन्नी को बोलेगा तुम मुसलमान नहीं हो, क्योंकि वहां हायरार्की सिस्टम। अब जैसे मौलाना है वो बोलेंगे मैं मुसलमान हूं, और दूसरे लोगों को बोलेंगे तुम मुसलमान नहीं हो। तो ये इतना कंफ्यूजन है, एक कोई सेट नॉर्म नहीं है जो कि सबके ऊपर यूनिवर्सल लॉ की तरह एप्लीकेबल हो, जिसके कारण हमेशा फसाद होते रहते हैं। और दूसरी चीज मैं बताऊं, इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी या कमजोरी जो है, जो भी प्रॉब्लम अगर कोई इस्लामिक या मुसलमान समझते हैं कि उनकी दुनिया में, उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, इतना रिजिड, इतना लिमिटेड है। मैं आपको बताऊं, जब प्रिंटिंग प्रेस हुआ था तो टर्की के खलीफा ने उसको मतलब गुनाह या एक तरीके से अवैध घोषित कर दिया था, हराम घोषित कर दिया था, और 200 सालों तक इस्लामिक कल्चर और कम्युनिटी ने प्रिंटिंग प्रेस नहीं लिया, यूज नहीं किया, और दुनिया निकल गई कहां से कहां। कहने का मतलब जी एक किताब है जो हमारी कुरान है, वो अल्टीमेट है, ना इसके पहले कोई ज्ञान था ना इसके बाद कोई ज्ञान है। तो 500 हजार पेज की जितनी भी पेज हो, और दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, ज्ञान, हम लोगों के यहाँ बोला जाता है कि भाई ज्ञान का खजाना जो है वो अनंत है, उसकी कोई सीमा हाँ नहीं है, और वहां नॉलेज को एकदम लिमिटेड कर दिया गया है। तो ये दो दो तीन इसके ऐसे करेक्टर हैं कि जितना भी आप इनका प्रैक्टिकल व्यवहार देखते हो, हर आदमी का, हर मुसलमान का, इस्लाम के हर फितने का, अपनी आइडियोलॉजी समय के हिसाब से आ जाती है। और चूंकि यूनिवर्सल प्रिंसिपल आपके पास नहीं है, कोई चीज साइंटिफिक वे में नहीं है, तो समय के हिसाब से जब चेंज होता है तो आपकी जो आइडियोलॉजी जो फॉलो करते हैं उसको भी तोड़ मरोड़ के समय के हिसाब से आप सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, पूरी दुनिया ने ये मान लिया, भारत को तो खैर छोड़िए, मैं और क्रिश्चियन वगैरह की बात करूं, जबकि लोग ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, सबने मान लिया, लेकिन आज भी ये लोग सिद्ध करने पे तुले हुए हैं कि पृथ्वी चपटी है, और उसके पीछे जो लिमिटेड और कंटेंड कर दिया गया है कि यही एक हाँ किताब है, उसमें जो लिखा है केवल वही हाँ चीज रहेगी, और दूसरी हाँ चीज, दूसरा दूसरा कोई नॉलेज नहीं है। तो ये इनके लिए एक प्रॉब्लम का सबब है। आपके पहले सवाल के जवाब में, नटसेल में, मैं ये बोलूंगा ये केवल एक पॉलिटिकल टूल नहीं है, टाइम टाइम पे जरूरत के हिसाब से ये टूल जो है, कभी ये पॉलिटिकल टूल बन जाएगा, कभी रिलीजियस टूल बन जाएगा, कभी माइनॉरिटी का बन जाएगा, मतलब गजब की और अद्भुत क्षमता है कैमोफ्लॉज का, रूप परिवर्तित करने का अद्भुत क्षमता है इसमें।
नहीं, एक और चीज है जो आपने बात एक बहुत अहम कही, सुन्नी के हिसाब से सिया वाजिबे कत्ल है, सिया के हिसाब से सुन्नी वाजिबे कत्ल है, उनके हिसाब से देवबंदी वाजिबे कत्ल है, देवबंदी के हिसाब से अहले हदीसी वाजिबे बड़े कत्ल है, तो ठीक एक दूसरे जो है वाजिबे कत्ल है। और ये सोचिए कि इस्लाम में पाकिस्तान में सबसे पहला अगर किसी को नोबेल मिला था अहमदिया मुसलमान, उसको डिसाउन कर दिया पाकिस्तान ने, भारत उसकी नागरिकता छीन ली और उसे कहा कि साहब ये काफिर है, कुफ्र है ये। अब एक दूसरे जब वाजिबे कत्ल हैं, तो मिश्रा जी मुझे इसमें एक और चीज समझ नहीं आती कि मिडिल ईस्ट में मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा, मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं, पिछले 1400 साल का अगर आप इतिहास देखें, और मिडिल ईस्ट जो अशांत है, ट्यूलिप की क्रांति होती है, ट्यूनिशिया, इजिप्ट, इराक, ईरान और तमाम वो मिडिल ईस्ट के देश, लेबनान, आप देखिए वहां खंडहर हैं, खंडहर हैं, और वो पूरे के पूरे सभी देश विलुप्त होने की कगार पे हैं, ग्रेन फूड क्राइसिस है, तमाम क्राइसिस है। और वहां मुझे लगता है कि आरएसएस का संगठन नहीं है, वीएचपी का संगठन नहीं है, लेकिन वहां मुस्लिम मुस्लिम को मार रहा है, फिर भी आप कहते हैं कि ये मुस्लिम फोबिया है, इस्लामिक फोबिया, ये कैसा इस्लामिक फोबिया जहां लाखों मुस्लिमों को मुसलमानों ने ही मारा है, फिर भी कोई कहने वाला नहीं है, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर अगले उसमें मैं आऊंगा तो मुझे बताइएगा, ये जो शरणार्थी बन के मुस्लिम अगर अलग अलग देशों में जाते हैं तो वहां क्या हाल होता है, पहले मिडिल ईस्ट। डॉक्टर, आपने बोला कि बहुत से देशों का नाम बताया, आपने बोला कि वहां बहुत बड़ी क्राइसिस है, और डिफेक्टो अगर मैं आपको बताऊं और भीतर से आप देखें तो जो सबसे रईस अमीर मुल्क इस्लामी उसमें माने जाते हैं सऊदी अरब वगैरह, वहां पे भी जबरदस्त क्राइसिस है। भले ही वहां कोई लड़ाई नहीं हो रही है, अगर ह्यूमन लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो वहां इतनी जबरदस्त क्राइसिस है, कोई फ्रीडम नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ महिलाओं को गाड़ी वगैरह चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह अलाउ किया, महिला अकेले जा सकती थी। मेरे कहने का मतलब जो मैंने आपको बोला, क्योंकि जो मूल स्रोत है किताब ही बहुत कंटेंड है और डिटेल में एक्सप्लेनेशंस उसकी नहीं है, और इसकी परमिशन भी नहीं है शायद कि आप उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करिए। अगर आपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया और सामने वाले को पसंद नहीं आया तो सर तन से जुदा हो जाना निश्चित है, ये मान के चलिए, हो या ना हो लेकिन फतवे जारी हो जाएंगे, यानी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये आप जानते हैं कुवैत वगैरह सऊदी अरब वगैरह में किस तरह की जो है वहां पे लाइफ है, कि आप पैसा लेके एक कैद में, मतलब सोने के पिजड़े में, वहां पे पूरी जनता उनकी बंद है और वहां पे आप शासन के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो क्राइसिस तो वहां पे भी है ह्यूमन लाइफ के लिए, फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सभ्य समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। भले ही इस्लाम और इसके विद्वान बोले कि जी हमारे यहाँ तो बहुत फ्रीडम है ह्यूमन लाइफ के लिए, इनके घर, इनका घर भी अगर आप देखेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैद खाना से कम नहीं है। कैद खाना से कम का मतलब आप ये देखिए कि इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस एक तबके के लिए या दूसरे, फीमेल्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस, और फीमेल्स के लिए अगर रिस्ट्रिक्शंस है तो अगर आप एक साधारण मुसलमान है तो मौलवी ने आपको कैद में करके रखा है कि आप ऐसे करो ऐसे मत करो, मतलब इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड है कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है उससे एक इंच भी फ्लेक्सिबिलिटी आप नहीं अपना सकते हो जीवन को बचाने के लिए या जीवन को जीने के लिए। मैं इसका एक लाइव एग्जांपल आपको दूंगा। सनातन में क्या है, आप इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे, आप मत नहाइए, महीने भर मत नहाइए, साल भर मत नहाइए, गंदे रहिए तब भी आप हिंदू हैं, बहिष्कृत नहीं होंगे, वाजिबुल कत्ल नहीं होंगे जैसे औगढ़, ठीक है। आप इस पंथ को मानिए, आप उस पंथ को मानिए, आप दिन में 5 बार नहाइए, आप नंगे रहिए, नंगे मतलब निर्वस्त्र रहिए आप। हाँ, आप देखते हैं नागा साधु और उनके अखाड़ों में जाइए तो फीमेल नागा साधु और साधुनी यानी तपस्विनी नन दोनों रहती हैं, लेकिन कोई भी हमारा समाज या वो लोग उसको बुरी निगाह से नहीं देखते हैं। मेरे कहने का मतलब असीम फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ को दी गई है, जीवन को दी गई है, मर्यादित तरीके से रह के, मर्यादित तरीके से मतलब दूसरों में आप खलल मत डालिए, दूसरों की स्वतंत्रता में, मर्यादा में आप खलल मत डालिए। यहाँ तो ये है कि खुद इस्लाम ने ऐसा लावदा उढ़ाया है कि जो इनके अनुयायी हैं और जो जितना बड़ा अनुयायी है उसके लिए भी इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है
न केवल शरीर, दिमाग भी अगर ये चाहे कि मैं स्वतंत्र होकर सोच लूं, तो आपकी सोच तक को यहां पे लिमिटेड कर दिया गया है। मैंने बोला जब ये बोल दिया गया है कि ये पहली और आखिरी किताब है, इसके बाहर कोई नॉलेज नहीं है, तो कुछ ऐसे मुसलमान जो आपने बताया अहमदिया मुसलमान थे जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया, ऐसे एग्जाम्पल और भी पड़े हुए हैं, तो आप कैसे सोचेंगे? आप अपनी गर्दन कटाने से बचाएंगे कि आप नवीन चीज, नई फिलॉसफी सोचेंगे या नया कुछ सोचेंगे, कुछ इन्वेंशन करेंगे? ये जो ये लोग बार बार बोलते हैं ना कि हम पिछड़े हैं, अरे यार तुम कभी बादशाह हुआ करते थे, तुम पिछड़े क्यों हो? इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण जो इस्लाम बोलता है कि तुम इसके बाहर कुछ भी मत पढ़ो, इसके बाहर तुम कुछ भी मत सीखो, इसके बाहर तुम सोचो ही मत। अगर कोई बोल दे कि केवल 1000 पन्ने के बाहर आप कुछ सोचिए ही मत, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई इंटेलेक्चुअल पैदा होगा? उनके यहाँ इंटेलेक्चुअल का भी एक दायरा है कि उसी दायरे में रह के आप सोचिए, उसके बाहर आपने सोचा तो आप तुरंत काफिर बन जाएंगे, 2 मिनट में काफिर डिक्लेयर होंगे। जी डॉक्टर साहब, इसमें जो आपने किताब के बारे में जो आपने कहा, मुझे इसमें एक और चीज इसमें ऐड करनी थी कि आपको लगता है कि मिश्रा जी की किताब अपने आप में संपूर्ण है, उस किताब के अलहदा, उस किताब के अलावा अगर आप कुछ भी सोचेंगे, और दूसरी चीज यह है कि ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि आपको याद हो दिल्ली में, तो आपने तो ऐसे गलियों को देखा होगा, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जो मुझे लगता है कि मुस्लिम एरिया है, और वो ऐसे मलिन, ऐसे बदबूदार इलाके हैं, वहां पर परिंदा भी नहीं पर मार सकता क्योंकि गलियां बहुत छोटी हैं, सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता, छोटे छोटे मलिन घर हैं, और आपस में वो एक 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 एक, एक, एक इस्लामिक कल्चर ही रहे, मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा, बदबूदार गलियां हैं, और मुसलमान उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, या फिर उसके बाहर वो निकलना, मतलब मुझे एक और चीज है, मैं देखता हूं कि बाहर से अगर कोई लड़का मुस्लिम दिल्ली पढ़ने आता है या नौकरी करने आता है तो जामिया नगर जाएगा रहने के लिए, वो लक्ष्मी नगर नहीं रहेगा, वो जामिया नगर रहेगा या ऐसी जगह रहेगा, तो ये मानसिकता क्या है? और दूसरी चीज ये है कि ये परवरिश का भी है, और दूसरी चीज ये है कि बच्चों में एक चीज डाल दी जाती है आजकल कि तुम हाफिज नहीं हुए, हाफिज का मतलब है कि कुरान तुम्हारी पूरी नहीं हुई, और कुरान पूरी पढ़कर पढ़वा कर हाफिज किया जाता है, और हाफिज के बाद मिठाइयां बांटी जाती हैं और कहा जाता है कि लड़का हाफिज हो गया है, यानी कि इसने पुरानी पूरी की पूरी कुरान और उसका ट्रांसलेशन जो भी समझिए आप पूरा पढ़ लिया है मौलवी से, तो ये बच्चे जो हाफिज बनकर आएगा, जो पूरी कुरान पढ़कर आएगा, वो जब भारत अलग अलग जगहों पर नौकरी करने जाएगा तो वो किस तरीके से बहुत नैरो माइंडेड होकर काम करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से एके मिश्रा ने प्रसाद दिया तो प्रसाद त्याज्य है, वो प्रसाद पाप है, सिन है, क्योंकि वो एक मूर्ति पूजा का प्रसाद है। एके मिश्रा ने अगर उसे दीपावली पर हैप्पी दीपावली बोला तो हैप्पी दीपावली वो बदले में नहीं बोल पाए, क्योंकि वो उनके त्योहारों पर मतलब सेम टू यू नहीं बोलेगा, वो बोलेगा टू यू, मतलब तेरा तुझको ही, ठीक है, जी वो बिल्कुल सेम टू यू बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो आपको मतलब वो आपके त्योहारों में आपके साथ सम्मिलित नहीं होगा, और वो आपको बड़ी हीन दृष्टि से देखेगा, फिर सामंजस्य कैसे बनेगा, संसार और समाज कैसे चलेगा अगर इसी अपब्रिंगिंग के साथ वो लड़के या बच्चे पैदा होते रहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, इसका भी सवाल वही है जहां पे कि शुरू में ही ये बता दिया जाए कि काफिर यानी जो इस्लाम में बिलीव ना करता हो, अगर वो कहीं मिले तो उसके साथ दोस्ती मत करो। ये क्लियर कट इस्लामिक स्कॉलर जो है वो डिबेट में ये बोलते हैं, या मैंने तकरीरें सुनी है कि मतलब अगर कोई काफिर मिल जाए आपको जो इस्लाम में बिलीव ना करता हो, किसी भी रिलीजन से हो, ना उसके साथ दोस्ती करो, ना उसके साथ व्यापार करो, ना लेन देन करो। तो जब इतना प्रोग्राम्ड आप शुरू से ही हैं, आपने बोला, और केवल यही नहीं, आप गांव में भी देखेंगे या कहीं पे भी देखेंगे, किसी दूसरे उसका देखेंगे तो वो स्कैटर्ड रहते हैं। जैसे बस्ती बना के हम लोग नहीं रहते हैं, कोई इधर है, या हम लोगों के यहाँ बस्तियां पाएंगे तो अगल बगल 5-6 घर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोगों के हो सकते हैं, पंजाबी के, सिंधी के, सारे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा बस्ती बना के रहते हैं हर जगह, चाहे दिल्ली हो या पहले भी आप देखोगे, तो उसके 2 रीजन है। एक तो ये जो कबीले का सिस्टम चला था, और दूसरी चीज ट्यूनिंग या गाइडलाइन। ठीक है, ये उस वक्त के लिए मैं सही मान सकता हूं जो है कि
कि ये गाइडलाइन दी गई थी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक चीज और मान सकता हूं कि 1400 साल पहले जो नियम कानून आज हैं वो बहुत अच्छे और उपयोगी माने जा सकते हैं, क्योंकि कबीले थे, लड़ाइयां होती थी, तो ये ट्यूनिंग उसी वक्त से इनके दिमाग को फ्रेम किया गया है कि तुम काफिरों के साथ मत रहो, दूसरों के साथ मत रहो, जहां रहो एक साथ रहो। और केवल इतना ही नहीं, गांव में या शादी ब्याह में आप देखेंगे तो हम लोग तो किस टेंट मंगाए पता चला वो किसी मुसलमान का है, बैंड बाजा किसी मुसलमान का है, कोई और। इनके यहाँ ये देखिए जो आपने बोला ना इकोनॉमिक जिहाद, जो टूल, पॉलिटिकल टूल या इकोनॉमिक टूल, अब मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये अगर मंगाएंगे भी तो एक खास तबके से ही सारी चीजें मंगाएंगे, किसी दूसरे से उससे बहुत रेयर एग्जाम्पल मिलते हैं। तो यहाँ ये इकोनॉमिक टूल की तरह जो है ये यूज कर लेते हैं उस चीज को। अब ठीक है, उसके लिए परसेप्शन कुछ और बनाया जाता है कि कौम की बात है। अरे एकता केवल कौम में ही थोड़ी होनी चाहिए, कौम के अलग अगर कोई है, दूसरे मजहब का है, तो क्या उसके साथ बात व्यवहार और एकता नहीं होनी चाहिए? ना तो ये एक्सेप्टेबल है, ना ये एक्सेप्टेंस किसी को देते हैं। मेरे कहने का मतलब इतना रिजिड है, ना तो ये किसी भी बाहरी चीज को एक्सेप्ट करते हैं और न ही ये एक्सेप्टेंस किसी बाहरी चीज को अपने सोसाइटी में देते हैं। यही रीजन है कि ये हर जगह क्लस्टर में रहते हैं। इवन इनके देश भी अगर आप देखेंगे तो क्लस्टर में है, सब जगह एक अगल बगल है। और इसराइल एक अकेला देश, छोटा सा, जिसकी पॉपुलेशन 80 लाख है, और पूरे अरब की पॉपुलेशन देखेंगे तो 30 उस करोड़ के आसपास होगी, 30-40 करोड़। 30-40 करोड़ लोगों के अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है कि 80 लाख यहूदियों को वो एक्सेप्ट कर ले और सुखी से रहे। विरोध चल रहा है और अनंत काल हाँ तक चलता रहेगा। तो ये इनका रीजन है। इनके फेल्योर का भी अगर माइनस तेल कर दिया जाए, माइनस ऑयल प्रोडक्ट कर दिया जाए, तो ग्लोबल जीडीपी में डॉक्टर साहब इनका कंट्रीब्यूशन पॉइंट में जाता है, कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। कहने का मतलब पूरी दुनिया पे ये भार बन के बैठे हुए हैं, कहीं कोई कंट्री इनको मदद कर रहा है, कहीं शरणार्थी बन के। ये आपने जो शरणार्थी वाली बात की, अब देखिए इसमें दो आइडियोलॉजी है, ये कितने होशियार हैं और कितने मतलब पसंद हैं। मैं रोहिंग्या का एग्जाम्पल लेता हूं, वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो 1 साल तक नावों में भटकते रहे इधर से उधर, लेकिन ना पाकिस्तान ने दिया, बांग्लादेश ने बड़ी मजबूरी में दिया, और वो भी अलग आइलैंड पे दिया जहां कोई बांग्लादेशी नहीं रहता है। अरब अरब ने तो एक रोहिंग्या को तो छोड़िए, इंडियन और पाकिस्तानी मुस्लिम को भी, वो वहां का अपना शहरी नागरिकता कभी भी नहीं, कभी नागरिकता नहीं, आप मर जाइए सर पटक करके, इंडियन मुस्लिम या और कोई बाहर के मुस्लिम की नागरिकता आप सऊदी अरेबिया में नहीं पा सकते हैं, आप केवल काम करिए। तो कहने का मतलब देखिए कितने लेयर ये लोग रिजिड है। मुस्लिम कंट्री है लेकिन आप कितने भी बड़े विद्वान हो, लेकिन सऊदी अरेबिया में आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, कतर में आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, वहां की लड़की से शादी नहीं कर सकते, वहां की लड़की ने अगर शादी बाहर किया तो उसकी नागरिकता और सारे अधिकार खत्म, सारी फैसिलिटी खत्म। जब इतना जबरदस्त बॉर्डर अगर बना दिया जाए और पूरी एक कौम को, एक कायनात को, एक सभ्यता को 1400 सालों से कंटेंट कर दिया जाए, चारों तरफ कटीले तार की बाड़ लगा दी जाए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ अच्छे मुसलमान हैं जो उस बाड़ को तोड़ करके आ जाते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और समाज को वो पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन वहां पे भी अब सवाल ये आता है, ओसमा बिन लादेन खुद अपने आप में बहुत बड़ा इंजीनियर था, 9/11 करने वाले सब आईटी और इन सब के फाइटर ये प्लेन वगैरह के पायलट वगैरह थे, घूम फिर के वो वहां आ जाता है। जनरेशन टू जनरेशन जो बैक ऑफ द माइंड जो ट्रेनिंग दी गई है ना, वो सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं दबी रहती है। तो आप इसको कोई पॉलिटिकल टूल या ये सब मत मानिए। डोमिनेंस इन एवरी कंडीशन, अगर आप ये कमजोर हैं, जैसे मान लीजिए कहीं आप देखिए ये झुंड में रहते हैं, भले ही ये इकोनॉमिकली और इन सब चीजों से पॉवर्टी है, कमजोर है, लेकिन जब प्रेशर टैक्टिस की बात आती है तो सारे लोग मिलके ऐसा प्रेशर बनाते हैं कि बड़े बड़े थाना और कचहरी हिल जाते हैं। तो डोमिनेंस हर जगह दिखता है। भाई एक आदमी जो कूड़ा बीन रहा है और दिन भर में अपनी रोटी भी इकट्ठी नहीं कर पा रहा है, लेकिन डोमिनेंस का फैक्टर उसके भी दिमाग में है कि हम शहंशाह हैं। इसी पे एक डिबेट में मैंने ये बोला था कि ये शहंशाहियत जो दिमाग में बैठी है ना मुसलमानों के, ये इनको पूरी दुनिया में ले डूबेगी। ये पास्ट में शहंशाह अपने आप को समझते हैं क्योंकि पास्ट में थे, आज सिचुएशन बदल गई है, ये अभी भी अपने आप को शहंशाह की तरह पूरी दुनिया में ट्रीट करते हैं कि हम अकेले बादशाह हैं, तो
तो ये बादशाहत के कारण इतनी प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये सोचना छोड़ दें, एक तो बादशाहत, ये वर्तमान में कभी नहीं जीते हैं, या तो पास्ट में जिएंगे कि जी हम तो बादशाहत हैं और हैं, या फिर जन्नत जिसको कभी देखा ही नहीं कि वो कयामत के दिन वो होगा जी, जो चीज कब आएगी कब नहीं आएगी उसका क्या रोल होगा कोई पता नहीं, लेकिन ख्वाब वही रहेगा। तो ना पास्ट में, ये ना ये प्रेजेंट में तो जीते नहीं है, पास्ट में और फ्यूचर में जीने वाली जो भी कौम होती है, जो भी आदमी होता है, वो फुटबॉल की तरह बन जाता है। और पूरी दुनिया में हालत यही है, कहीं एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, कहीं ग्रोथ नहीं है, कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, और इस्लामोफोबिया और 50 तरह के जो चीजें हैं इनके खिलाफ जो आ रही है, इनके प्राइम मिनिस्टर तक की जो है पैंट उतरवा ले जा रही है। पाकिस्तान का अगर देखें, वो थे तो वो भी मुसलमान, उनकी पैंट हाँ उतरवा ले गई। ये सोचने हाँ वाली बात है कि अमेरिका वगैरह किस तरीके से ट्रीट करते हैं इनको। हाँ। लेकिन मिश्रा जी, इसमें एक और चीज आती है कि वर्तमानिक सरकार, आप अपने वर्तमानिक सरकार पर बाद में आते हो, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से पूरा उम्मा उम्मा यानी कि तमाम मिडिल ईस्ट से लेकर सभी देश एक सुर में सुर मिलाने लगे, जब बात आई नुपुर की, नुपुर शर्मा की बात आई, किस तरीके से गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा और सरतन से जुदा, हमने पढ़ा सुना और देखा, और किस तरीके से जो पूरा मीडिया के साथ साथ जो तमाम एक तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो या फिर सिस्टम जो है, सिस्टम इनके साथ खड़ा हो गया। तो ये सिस्टम कैसे मतलब कब्जे में है, सिस्टम छोड़ नहीं रहा, वो वर्तमानिक सिस्टम हो या पुराना सिस्टम हो, तो सिस्टम में ऐसी मानसिकता वाले लिब्रांड ये तमाम वो लोग किस तरीके से बाहर नहीं निकल रहे, उस सिस्टम छोड़कर नहीं जा रहे, और जैसे ही सिस्टम छोड़कर जाने की बात होती है वो बिलबिलाने लगते हैं, रोने लगते हैं, सीना पीटने लगते हैं। डॉक्टर साहब देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इस्लाम में, जो मैंने शुरू में बोला था। ये कहानी आपने भी सुनी होगी कि मोहम्मद साहब एक गली से गुजरते थे तो एक औरत उनके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो कूड़ा फेंकने नहीं आई तो उसके घर गए, पूछा तो पता चला उसकी तबीयत खराब थी, उसकी मदद की। एक तरफ तो इस तरह की स्टोरी ये लोग बताते हैं कि भाई इस्लाम इतना पीसफुल है, जिस मोहम्मद साहब को खुद अपनी बेइज्जती का मतलब कोई वो नहीं हुआ, रश्क नहीं हुआ, नहीं, और यहाँ ये पे झूठी ये आयत ये या फिर ये जो जिक्र करते हैं ये झूठा है। क्यों? क्योंकि हाँ, तो ये केवल अपने आप को महिमा मंडन करने के लिए, मोहम्मद बात को आगे बढ़ाने के लिए, मैं इस्लाम नहीं को देखिए, मोहम्मद बात कहता हूँ। हाँ मैंने मैंने पहले ही बोला मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये कहानियां मैंने हाँ सुनी है। हाँ अब हाँ अगर हाँ ये झूठा भी है तो ये भी एक टूल है हाँ इनके केस में। जो अभी आपने लिया, जो सर से तन जुदा होने वाला जो है, वहां पे हाँ देखिए सिचुएशन क्या हो गई, और बखान किस चीज का किया जाता है। आइडियोलॉजिकल वे में जब स्पीच देनी होती है, भाषण देनी देना होता है, तब क्या चीज, तब आइडियोलॉजी कुछ और होती है। तो मैंने एक जो टर्म यूज किया, कैमोफ्लाग, जो आपने अभी अपने सवाल में पूछा ना कि भाई ये पूरा सिस्टम कैसे एक हो जाता है, अगर ये डोमिनेट कर रहे हैं मिलिट्री माइट में या इन सब चीजों में या इकोनॉमिक उसमें, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो इनका घोड़ा सरपट दौड़ता है और अपने हिसाब से ये सारी चीजें करते हैं। फिर वहां तो और किसी के लिए गुंजाइश ही नहीं है कि इनको मान के चलिए। ये भी एक बड़ी गजब की स्ट्रेटजी होती है कि जैसे आपने बोला पूरा सिस्टम कैसे आ जाता है, अब की बार जो है इस केस में पूरा सिस्टम तो नहीं आया, जो है जवाब भी जो है बढ़िया तरीके से दिया गया, पुलिस ने और कानून ने कार्रवाई भी की जो लोगों ने ये हरकत की थी, और कुछ अच्छे मुस्लिम लोग भी इसके खिलाफ आए हैं, मैंने ये देखा था। लेकिन सवाल मैंने वही बोला कि डोमिनेंस इनके जीन में, जेनेटिक्स में भरा पड़ा हुआ है, बिना मतलब के भी इनको डोमिनेंस चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत पहले मैं जब जॉब करता था तो मैं जोधपुर गया था, और रात को 12 बजे एक रिक्शे वाले से मेरी लड़ाई हुई 10 रुपए के लिए। भाई किराया 20 नहीं 30 रुपए। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वो मुस्लिम था, हमारी उसकी बहस चल रही थी, उसने एक लाइन बोला जो मुझे आज तक याद है, मैं हतप्रभ रह गया था। उसने बोला 52 देशों में हमारी बादशाहत चलती है। मैंने बोला ये 10 रुपए के झगड़े में 52 देशों की बादशाहत, तुमने 52 देशों की सेना बुला ली 10 रुपए के झगड़े के लिए, 52 देशों की मिलिट्री उन्होंने कॉल कर ली कि भैया आ जाओ, यहाँ एक मोमिन वर्सेस काफिर की लड़ाई हो रही है 10 रुपए के लिए, हाँ, जबकि वो अनपढ़ था, वो अनपढ़ था, लेकिन एक रिक्शा और चीज चला है, अपने आप को सुनिए, भारतीय कोई व्यक्ति इराक में, ईरान में, अमेरिका में, नेपाल में, भूटान में क्या चल रहा है ये नहीं जानेगा, लेकिन एक मुस्लिम लड़का जो है वो ईरान, इराक और तमाम मिडिल ईस्ट से लेकर सभी जानकारियों को रखेगा, तो
तो इसको क्या कहते हैं गुरु, ये क्या है, ये क्या लैक ऑफ नॉलेज है या फिर उम्मायत से वो खुद को जोड़ के रखते और हमें खम और हम वसुधैव कुटुंबकम, या मैं इसे कहता हूं माफ कीजिएगा सर्वधर्म वड़ा पाव, सर्वधर्म संभाव तो मैं कहता नहीं हूं, तो ये सर्वधर्म वड़ा पाव वाली बात है क्या? नहीं नहीं देखिए हमारे यहाँ जो और रिलीजन है, अगर सिखिज्म जैनिज्म इन सब की बात की जाए तो ये यूनिवर्सल या नेचुरल रिलीजन इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि इनका बेसिक सिद्धांत है कि इस नेचर में जितनी चीजें अवेलेबल हैं सबका सम्मान आप करिए, पूजा करिए, सम्मान करिए, उसका उचित दोहन करिए, उसका विनाश मत करिए, सबको, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जो भी हो। इस रिलीजन में केवल एक चीज ये दिया गया है कि दोहन तो छोड़ दीजिए, आप उसको क्या शब्द बोलेंगे कि केवल अपने प्लेजर के लिए जो है जो करना हो जैसे करना हो जितना विकृत तरीके से आप किसी चीज को यूज कर सकते हैं आप उसको करिए। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि कितना विकृत तरीके से ये चीजों का दोहन या यूज करते हैं। मिस्र में एक बड़ा बवाल उठा था, एक कानून बनने वाला था कि फेयरवेल सेक्स, कि अगर वाइफ मर जाए तो एक उसके डेड बॉडी के साथ सेक्स करने वाली जो है एक प्रथा के लिए उसको कानूनी जामा पहनाने के लिए बड़ी बहुत बात उस पर चली थी आंदोलन की तरह, लेकिन वो कैंसिल हो गया, प्रेशर वगैरह बहुत आया। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी चीज को कितने विकृत तरीके से आप जो है यूज कर सकते हैं। दूसरे रिलीजन में मैंने ये देखा है किसी चीज को यूज करना है तो बिना विकृति के आप उसको यूज करिए, मतलब उसको ऐसे यूज करिए कि किसी भी चीज का नुकसान ना हो। अब इसका एक एग्जाम्पल आप लीजिए कि इनके कोई भी काम आप देखिए यहाँ पे, चाहे जो है जैसे लड़ाई अगर ये करते थे दूसरे चीजों में, या हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भारत में जो लड़ाइयां होती थी, दोनों राजा लड़ मरे, सेना मरी, मारी गई, जो भी हुआ, किसानों को कोई नहीं पूछता था, स्त्रियों को, बच्चों को, महलों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को कोई नहीं पूछता था। आप एक इस्लामिक लड़ाई बताइए जिसमें युद्ध खत्म हो जाने के बाद एक तरफ का राजा मार दिया गया और उसके बाद कत्लोगारद रुक गई हो। सेकेंड फेज ऑफ कत्लोगारद जो कमजोर बच्चे और महिलाएं और नागरिक बसते थे, तो सेकेंड फेज ऑफ कत्लोगारद तो और भयंकर चलता था, यानी कमजोरों के ऊपर, कमजोरों के ऊपर ये जोर आजमाइश ज्यादा करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इतिहास बोल रहा है। कोई एक लड़ाई आपको याद आ जाए जहां पे कि ये जीत गए और उसके बाद कत्लोगारद रुक गई, शांति हो गई, स्थापित हो गई, सारी चीज हो गई, कहीं आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट सीरियल में वो चलते थे, कई तरीके के वहां पे होते थे, पहले कत्ल करो, कत्ल करने के बाद फिर गुलाम बनाओ, फिर गुलाम माले गनीमत, माले गनीमत जोड़िए ना इसमें, माले गनीमत, माले गनीमत, गुलाम बनाइए, गुलाम नहीं, देखिए गुलाम बनाने के बाद जो चीजें लूट सकते हैं आपके यूज की है लूटिए, और जो आइडियोलॉजिकल सिंबल है जिसमें इनको लगता था कि ये आइडियोलॉजिकल सिंबल है ज्ञान की और इन सब चीजों की, उसको नष्ट कर दो, क्योंकि उसको वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं एज पर इस्लाम, और वो रहने भी नहीं देना चाहते हैं। नालंदा जो विश्वविद्यालय जलाया गया था, मेरे इस स्टेटमेंट का सबसे मतलब ज्वलंत उदाहरण है कि भाई आपने क्यों जला दिया उसको, आप जो है लड़ाई आपने जीत ली थी, आप राजा बनते, लेकिन जलाने के पीछे क्या रीजन है? तो जो चीज इनको लगती है कि हमारे यूज की नहीं है या जिससे इनको इन्फीरियॉरिटी फील होती है उसको नष्ट कर दो। और ये इंसान के ऊपर भी है, मतलब जिस इंसान से इनको इन्फीरियॉरिटी या खतरा लगेगा या इनकी बादशाहत में जरा सा भी गुस्ताखी इनको लगेगी कि वो इंसान गुस्ताखी कर सकता है, उस इंसान को भी आप उसको कोई जगह मत दो, जहां तक हो सके उसको आप वही बाजुबुल कत्ल जो है डिक्लेयर कर दीजिए। अब जरा मैं इसमें एक और चीज, आजकल अब्बासी हिंदू एक शब्द है, वो बड़ा कहा जा रहा, अब्बासी हिंदू का मतलब आप समझ सकते हैं, वो जो मोदी के मित्र हैं और मोदी जी को चाहने वाले जो मुसलमान हैं, पसमांदा या तमाम वो तार्किक या बौद्धिक इंटेलेक्चुअल ऑर्गिज्म मैं इसमें जोड़ता हूँ, जब हम अब्बासी हिंदू को कहते हैं तो मुझे लगता है कि दो इंटेलेक्चुअल लोग मिलकर इंटेलेक्चुअल ऑर्गिज्म की बात करते हैं और इससे बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन अब्बासी हिंदू,
और वर्तमान में सरकार का पूरा प्रभाव, सरकार पूरी तरीके से बनी, सरकार की पालकी ढो के वो लोग लाए, या फिर हिंदू और सशक्त सनातन या राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय के परिदृश्य जिनके हाथ जिनके दिमाग में था, जो भारत को समझते थे, जो भारत की आत्मा को समझते थे, जो हिंदुत्व से प्रेरित थे, लेकिन वर्तमान में क्या आपको लगता है वाकई उस रथ का पहिया मुड़ गया है, या फिर उसके जो खेवनहार है या सारथी है उसने रथ मोड़ दिया है और जो पालकी ढोके लाए अब उस पर वो चढ़ बैठे और उनका कहना है कि साहब अब बासी हिंदू हमको चाहिए, यानी कि पसमांदा हमको चाहिए। मुझे लगता है कि पसमांदा कहिए या कोई भी मुसलमान कहिए, वो कभी दीन से अलग नहीं जाएगा, कभी वो जो दीनियत है और वो जो अल्लाह अल्लाह कह के सारे एक हो जाते हैं और जिसके पैर में टांग नहीं वो भी भागता है ताकि एक किक मार दूं, तो ये अलग नहीं हो पाएंगे। लेकिन वर्तमान की सरकार इस बात को क्यों नहीं समझती मिश्रा जी? देखिए डॉक्टर साहब, एक बड़ा कटु सत्य है सनातन फिलॉसफी के हिसाब से, मैं उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, सुबह आप कितना भी टाई कोट वगैरह सब पहन के चले, लेकिन दिन भर काम करने के बाद, अचीवमेंट करने के बाद, जंगे जीतने के बाद, शाम को जब आप अपने बेडरूम में पहुंचेंगे, तंबू में पहुंचेंगे, तो सारे लबदा उतार के नेचुरल तरीके में आपको आना ही आना है। ये सबके साथ डेली होता है। आप घर पे बनियान और नीचे ट्राउजर वगैरह कंफर्टेबल पहन करके सारे लबदा उतार देते हैं जो आर्टिफिशियल है। इस दुनिया में भी यही है, चाहे बात वो सनातन की हो या कोई और हो, एक ना एक दिन जितने ये आर्टिफिशियल चीज किसी एक स्पेसिफिक टाइम जोन में नियम बनाए गए थे किसी एक स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए, अल्टीमेटली लोगों को समझ में आएगा, वो आ जाए या बाद में आए। अच्छा, अगर सरकार ऐसा पॉजिटिव स्टेप ले रही है और अगर कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि हाँ भाई हम सनातन में वापसी करते हैं या धीरे धीरे करते हैं, उसका स्टेप होता है, जैसे अब्बासी हिंदू धीरे धीरे अब्बासी भी हट जाएगा, हिंदू बन गए, तो मैं इसमें दोनों लोगों को, सरकार को भी और उस पक्ष को भी मैं देता हूं, देखिए धन्यवाद देता हूं कि आप सत्यता को समझिए। और धर्म तो है कल्याण के लिए, अगर कोई धर्म आपका कल्याण ना कर पाए, इस जीवन में ना कर पाए, मोक्ष वगैरह और जन्नत की तो बात छोड़ दीजिए, जब अभी कल्याण नहीं हो रहा है तो आगे का क्या कल्याण, मतलब ज्ञान के रूप में आपका कल्याण ना हो, टेक्नोलॉजी, इनकम, इन सब चीजों के आपके लिविंग स्टैंडर्ड को ना दे पाए, तो वो धर्म नहीं होता है। धर्म की डिफिनेशन हमारे यहाँ कुछ और ही है, धारेत इति धर्म, जो चीज धारण करने योग्य है वही धर्म होता है। केवल अच्छा ज्ञान ही धारण करना धर्म होता है, न कि उल्टे सीधे ज्ञान को धारण करना और उसका प्रयोग करना। उल्टे सीधे ज्ञान को ये बोल के कि जी ये ज्ञान है इसको धारण कर लो, या उल्टी सीधी आइडियोलॉजी है कि उसको धारण करके प्रैक्टिस करना शुरू करो, उसको भी हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। देखिए इतना तो डॉक्टर साहब जरूर आया है कि मुसलमानों में भी और दूसरे धर्मों में भी एक एक तबके में मैंने ये देखा है जो इस चीज को रियलाइज करते हैं कि हाँ भाई जिंदगी यहाँ पे एक सफोकेशन से कम नहीं है। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, जो आपने बताया कि बजबजाती हुई नालियां हैं, सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है और कई पीढ़ियां वहां रह रही हैं, आप वहां जाएंगे तो आपको सफोकेशन महसूस होगा, और सफोकेशन तो उन लोगों को भी महसूस होता है, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा बना हुआ है जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि उससे बाहर आके रहना बहुत मुश्किल होता है। आप वहां से निकल करके टैबो से बाहर नहीं आ पाते, वो घेटों में बने रहते हैं। नहीं, उसके पीछे एक रीजन और है कि एक तो इतना डर इन लोगों के मन में बैठाया गया रहता है कि अपने समाज से, उस जगह से निकल के किसी अच्छे जगह पे आपने घर लिया जो काफिरों का एरिया है, भले ही वो जन्नत से कम क्यों ना हो, तो वहां एक डर भी रहता है। कुछ साहसी मुसलमान जो विद्वान हो जाते हैं, पढ़ लिख के करते हैं, वो लोग रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको मुल्ला मौलवियों से भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने समाज के ऊपर, जकात के ऊपर तो कम से कम वो निर्भर नहीं है कि वो जकात मिलेगी तब उनकी जिंदगी चलेगी या उनके बेटे बेटियों के शादी होंगे। तो जो ऐसे लोग प्रोग्रेसिव हो गए हैं, अब जिस वैज्ञानिक का आपने नाम लिया अहमदिया, जो पाकिस्तान के थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, वो नहीं थे मुल्ला मौलवियों के भरोसे, उनको निकाल दिया तो क्या उन्होंने अपनी लाइफ नहीं जी? बहुत सम्मानित जिंदगी उन्होंने जी, नोबेल प्राइज मिला और हर विद्वान आदमी उनकी कदर करता है। जिसको नोबेल प्राइज मिला हो किसी एक नई खोज के लिए, जीवन बचाने के लिए, तो वो किसी भी धर्म का है, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बोला कि इस्लाम अपने आप में
जैसे हम लोगों के यहाँ गडेरिया होता है ना, अपने फायदे के लिए भेड़ों के झुंड को नियंत्रित रखता है, चार पांच कुत्ते रखेगा, कटीले तार कर देगा, जब तक वो भेड़े नियंत्रित है, उसका दोहन हो रहा है, दूध मिल रहा हाँ है और फायदा उसके मालिक को हो रहा है, ठेकेदार को हो रहा है। सेम सिस्टम यहाँ पे है। मैं एक आम आदमी, एक आम मुसलमान से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई पढ़ तुम रहे हो, तुम्हारे घर वाले तुमको पढ़ा रहे हैं, तो मुल्ला और मौलवियों से, या मैं हिंदुओं से भी पूछता हूँ कि मैं किसी भी पंडित से क्यों डरूं किसी चीज के लिए? मेरा अपना हाँ स्वतंत्र दिमाग है, मुझे वेद पढ़ना है तो मैं पढ़ के उसका परसेप्शन बनाऊंगा कि इस मंत्र का क्या क्या मतलब हो सकता है, मेरे पास स्वतंत्र दिमाग है। ठीक है, किसी पंडित ने अगर बताया तो मैं थोड़ा इजी हो सकता है उस परिप्रेक्ष्य में देख सकता हूँ, लेकिन मेरे समाज में स्वतंत्रता है कि मैं क्या परसेप्शन बनाता हूँ। मैं यही चीज मुसलमानों से पूछता हूँ कि भाई आप लोगों के पास क्या मजबूरी है कि केवल मुल्ला ने जो बोल दिया उसमें 1 इंच भी इधर उधर आप दूसरे एंगल से नहीं सोच सकते हैं? हो सकता है वो आयतें किसी और सिचुएशन में कही गई हो, उसका कुछ और मतलब निकलता हो जो बड़ा पसमंजर यूजफुल अलग हो हो। सकता है, हाँ पसमंजर हाँ अलग हो सकती है, हाँ तो हाँ वो जब दूसरा कोई आपको डिक्टेट करेगा, दूसरा मुल्ला मौलवी डिक्टेट करेगा, तो आप हमेशा यूज ही होंगे। और दिस इज ओनली द रीजन, आप सऊदी अरेबिया में जाके देखिए, कहीं पे भी देखिए, जो मुस्लिम जनता होती है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, दोहन होता है कुछ लोगों के ग्रेटर कॉज के लिए, चाहे वो सत्ता हासिल करनी हो। अब ये बात उम्मा की करते हैं, अब देखिए सारे मुसलमानों के अंदर जो एक थोड़ा सा अच्छा मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान मानता है, हमारे साथ कई डिबेटर बैठते हैं, उनके आंखों में भी ख्वाब जो है उम्मा का रहता है। ठीक है, अब उम्मा की ताकत क्या है मैं बताता हूँ। टर्की चला था खलीफा बनने के लिए, वो ऐतिहासिक वो है, टर्की फिर से खलीफा बनना चाहता है, तो टर्की और इमरान खान ने मिलके एर्दोगान और इन्होंने बोला था हम एक इस्लामिक न्यूज चैनल बनाएंगे, आज तक वो न्यूज चैनल नहीं बन पाया। और इंडिया में अभी पिछले पिछले 3 महीने में देखिए चार पांच न्यूज चैनल इंडिया में लॉन्च हो गए, सेटेलाइट सेटेलाइट न्यूज चैनल, और वहां दो देश मिलके एक न्यूज चैनल नहीं बना पाए, एक टीवी चैनल, इस्लामिक टीवी चैनल नहीं बना पाए। अल जजीरा के खिलाफ बनाना चाहते थे, कतर के खिलाफ वो खड़ा करना चाहते थे। नहीं, उसमें हिस्टोरिक है डॉक्टर साहब, जब उम्मा था और टर्की के हाथ में मक्का मदीना था और टर्की की बादशाहत चलती थी, तो जो आज का सऊदी अरेबिया का राजशाही परिवार है, उनके जो पूर्वज थे, जो पहले राजा थे, उनकी गर्दन को इसी जो ये मस्जिद है टर्की में, वो जो है वहां पे हागिया सोफिया, उसके हाजिया सीढ़ी पे सोफिया, गर्दन को काटा गया था, हाँ उसके सीढ़ी पे उनके गर्दन को काटा गया था। तो ये दुश्मनी है, हाँ टर्की चाहता है कि हम फिर से अपनी बादशाहत करें और सऊदी वाले हाँ नहीं चाहते हैं, सऊदी वाले क्यों होने देंगे इस चीज को? तो ये लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हम का ये दोनों में रीजन मुझे है। लगता है, एके मिश्रा इस बात को भी समझिए, बीच में टोक रहा हूं। अब उस्माने खलीफा और निजामे मुस्तफा टाइप टर्की अब ज्यादा बनना चाहता है। अर्दोगान की फिलॉसफी अब इस चीज को लेकर ज्यादा है कि वो किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करे कि ये जो इलाका है वो निजामे मुस्तफा का है और हम सबसे बड़े मुसलमान हैं। और अब यूएई को देखिए और सऊदी को देखिए, वो अब रेवोल्यूशन कर रहे हैं, अपने यहाँ चीजों को बेहतर कर रहे हैं। जो अभी क्राउन प्रिंस है, वो किस तरीके से अपने यहाँ उन्होंने एक तरीके से हदीसों को सिरे लिबरल से हो रहे खारिज हैं कर वो। दिया। हाँ, उन्होंने हाँ, हदीसों को सिरे से खारिज कर दिया और वो सारी चीजों को वहां दे रहा है। लेकिन इधर कतर है, कतर और ये है, ये अपने यहाँ अभी देखिए फीफा हुआ और फीफा के दौरान आपने देखा किस तरीके से मनमानी चली, और सूडान और उनके मैच के दौरान आपने देखा किस तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह और अल्लाह और तमाम बीच मैच में, यानी कि मैच सूडान जीत रहा है तो ये जीत इस्लाम की है, और लगातार जब हार गए तो ये हार इस्लाम की नहीं थी। तो ये जो मैं इसे कहता हूँ सुडो, ये मैं देखिए मैं इसे मोहम्मदवाद कहता हूँ, मैं इसे इस्लाम नहीं कहता हूँ, इस्लाम अल्लाह का है और ये जो फॉलो किया जा रहा है ये मोहम्मदवाद है। मोहम्मदवाद मोहम्मद का है, मोहम्मद डू एंड डोंट बता रहे हैं, अल्लाह नहीं बता रहे हैं। और अल्लाह की शान में आप तौहीन करेंगे तो एक बार आप बख्श दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप मोहम्मद की शान में तौहीन करेंगे तो आपको पता ये क्या होगा। तो आपको लगता है कि अब ये सबसे बड़ा मुसलमान कौन, इस तरफ भाग रही है दुनिया?
नहीं डॉक्टर साहब देखिए, मैं हमने और आपने शुरू में ही, खैर मैं कथा कलामी के लिए आपसे मैं माफी चाहूंगा, कथा कलामी सॉरी फॉर इंटरप्शन, बीच में अगर आप टोकते हैं तो उसको उर्दू में बोलते हैं कथा कलामी, तो इसीलिए मैंने हाँ। बहुत शालीन जो है अदब के साथ मैंने आपसे बोला लखनवी, कथा अरे कलामी के लिए। लखनवी ना, अरे प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए। नहीं, तो सुनिए, देखिए वो कोई इस्लाम और ये सब चीजें नहीं है, हमने आपने शुरू में ही ये डिस्कस किया कि यहाँ पे अगर गली में भी कोई है ना तो अपनी बादशाहत कैसे कायम करे। जो मौका मिलता है, फीफा एक खेल का प्रोग्राम था, अब उसको इस्लाम से जोड़ने के लिए, अब देखिए हमारे देश में क्या है, चाहे पीएम मोदी हो या किसी की भी सरकार रही हो या और भी देश में आप देखिए जो लिबरल है, जो डेमोक्रेटिक है, उनका ये कहना है कि यस वी विल बिकम वर्ल्ड लीडर, हम वर्ल्ड लीडर बनेंगे, लेकिन हम कनेक्ट कहाँ करते हैं, पीस से करते हैं, ग्रोथ से करते हैं, दूसरों की सेवा और मदद से करते हैं। जैसे हमने कोविड की वैक्सीन बहुत सारे देशों को दी, अच्छा अब उनके यहाँ और कोई, अगर मैं, चलिए मैं बोलता हूँ खिलाफत ही एक बार फिर से कायम हो जाए, तो यही सपना लेके चले जाए, चला जाए, तो वहां पे टर्की अलग से बनना चाहता है खलीफा, पाकिस्तान अलग से बनना चाहता है, कुवैत अलग से, तो पूरे वो मतलब दुनिया भर के मुसलमानों को कनेक्ट करने के लिए इनके पास केवल एक ही चीज है जो कि इनका रिलीजन है, जो आपने बोला ना, अब आप बोल रहे थे पॉलिटिकल टूल, तो मैं बोलूंगा इसको स्पोर्ट टूल की तरह इन्होंने यूज किया, जो मैंने शुरू में ही बोला था कैमोफ्लाग, वेश बदलना या समय के हिसाब से चीजों को कैसे प्रयोग किया जाए कि ताकि हमारी चौधराहट बनी रहे। अब फीफा में 4-6 दिन के लिए क्या आपने पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया? मैं बोलता हूं अगर वो फीफा जीत भी जाते, अल्लाह के करम से जो है, अगर वो जीत भी जाते, मान लीजिए शिकस्त दे देते दूसरे देशों के काफिरों की टीम को, अगर वो शिकस्त दे देते तो इसका मतलब क्या होता कि पूरी दुनिया के इंच इंच पे इस्लाम नाजिफ हो गया, ऐसा तो होने वाला नहीं था। लेकिन एक आइडियोलॉजी है, जब आपके पास रियल पुरुषार्थ नहीं होता है ना, रियल पुरुषार्थ का मतलब आप समझिए, रियल पुरुषार्थ वो होता है कोई नई खोज करके आप समाज के हर तबके को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे आपने कोई नई दवा खोजी, कोई कुछ ऐसा किया, तो आपने समाज को और मानवता को कंट्रीब्यूट किया, किसी मुसीबत से बचाया, ये हमारे सनातन सिद्धांत में इसको जो है वास्तविक पुरुषार्थ बोलते हैं। इनके यहाँ पुरुषार्थ का मतलब होता है कि जब मौका मिले जबरदस्ती करो, अगर युद्ध है तो इनके यहाँ पुरुष होने का मतलब यह है कि कितनी गर्दनें तुमने काटी, कितने बच्चों को तुमने गुलाम बनाया, नहीं, कितनी औरतों को, कितनी औरतों को आपने ले लिया? हाँ नहीं, कितनी बीवियां रखी, कितनी बीवियां रखी और बीवियां के बाद आपने कितनी लौंडियां रखी हैं, इनके यहाँ वो भी एक ट्रेडिशन होता है, तो ये हाँ, सब हुक्म की सोशल बात स्टेटस दिया। होते थे, इनके यहाँ पुरुषार्थ का, मेहनत का, ये सब पैरामीटर होते थे सक्सेस को नापने का। हमारे यहाँ और किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी सभ्यता को देखिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा वगैरह का भी देखिएगा, आज के इतने साल पुराने, इस तरह के बर्बरता वाले पैरामीटर कभी भी नहीं होते थे कि अपने आप को सफल दिखाने के लिए इतने बर्बरता वाले पैरामीटर आप अपनाइए। तो ये एक मैंने आपको बोला इतना कंटेंट है ये चीजें, जो मुझे लगता है इतना कंटेंट है कि एक मानव को खुल के जीने के लिए जो एक व्यास चाहिए, जो एक एरिया चाहिए, वो भी इस्लाम प्रोवाइड नहीं करता है, या उनकी जो आइडियोलॉजी है वो प्रोवाइड नहीं करती है। और इसका एक एग्जाम्पल देखिए, सेम सिचुएशन क्रिश्चियनिटी में थी, जब क्रिश्चियनिटी ने ये बोला कि भाई चर्च को और पॉलिटिक्स को अलग करो, यानी चर्च का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा पॉलिटिक्स में, तो कितने तेजी से वो राइज कर गए, 100-200 साल में सारी इन्वेंशन कर डाली, सारे दुनिया के वो वर्ल्ड लीडर बन गए हर मामले में, मिलिट्री से लेके सारी चीजें। और इसका एक सबसे खास एग्जाम्पल देखिए, हमारे यहाँ सनातन में ये बात गौर करने वाली है कि इस्लाम वर्ल्ड लीडर तब था जब वो इस्लाम को फॉलो करता था स्ट्रिक्टली कि भाई गर्दन काटो, समय गया, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन लोग वर्ल्ड लीडर तब बने जब उन्होंने धर्म को समाज से और इससे जो है सत्ता से यानी राजा से अलग कर दिया। हम वर्ल्ड लीडर कब थे आपको पता है? हम वर्ल्ड लीडर तब थे जब सत्ता का, समाज का और धर्म का एक बेहतरीन मिश्रण और संतुलन हमारी जिंदगी में था, जब राज सत्ता में धर्म की दखलंदाजी थी, जब राज सत्ता धर्म के हिसाब से चलती थी, तब हमने चक्रवर्ती सम्राट पैदा किए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और बहुत सारे हैं, जब धर्म का हस्तक्षेप राज सत्ता और पढ़ाई लिखाई में था, आश्रमों में था,
तब हमने शून्य की खोज की, हमने दशमलव की खोज की, हमने अनंत यानी इनफाइनाइट की खोज की, हमने कृत्रिम बर्फ आइस की खोज की, हमने बटन की खोज की, हमने शैंपू की खोज की, हमने काजल की खोज की। अगर मैं गिनाने लगूं डे टू डे लाइफ में, हमने मूर्ति कला की, हमने नक्षत्रशाला स्थापित की है, जो कैलकुलेशन आज हम सेटेलाइट से करते हैं टाइम और डिस्टेंस का, वो कैलकुलेशन हम तब करते थे जब हमारा धर्म हमारे विद्यालयों में एकदम से उसके सिद्धांतों पे, हमारे विद्यालय और राजकीय सारे काम हमारे धर्म के सिद्धांतों पे चलते थे। ये पॉइंट बहुत नोट करने वाला है। मैं इसीलिए कई बार बोलता हूं कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो वो सिस्टम आपको वापस लाना होगा कि सनातन धर्म या यहाँ के जो धर्म है, इस भारत भूमि के जो धर्म है 3-4 नेचुरल, उनको राजसत्ता में आपको प्रवेश दिलाना पड़ेगा, सरकार में और संसद में प्रवेश दिलाना पड़ेगा। और ये गारंटीड है, अगर ये हो जाएगा ना, ये बंदरबांट जो हम भी आरोप लगाते हैं, आप भी आरोप लगाते हैं कि जी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, फलाने समुदाय ने आरोप लगाया कि जी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वो किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। और इसमें एक चीज और बता दूं, सनातन धर्म अगर जैसे भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाए, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने का मतलब ये नहीं होगा कि अल्पसंख्यक या दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई नुकसान होगा, वो और ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमारे धर्म की संकल्पना में ये बोला गया है कि जो संख्या में कम है, जो कमजोर है पहले, मतलब अगर हम ये देखें भाई, मानव के हिसाब से देखा जाए, मानव को आप बाद में करिए, जो निरीह जानवर है पहले उनको, ये जो परंपराएं हैं कि गर्मी में चिड़ियों को पीने के लिए पानी रख दीजिए, कुछ दाना आप फेंक दीजिए, तालाब में मछलियों को आटा की गोली खिलाइए, ये बताता है कि आप मानो तो सक्षम है, अपना प्रवाह कर लेगा, परवरिश कर लेगा, लेकिन ऐसे अक्षम जो निरीह जानवर है उनकी भी सेवा करिए, उनकी भी मदद करिए। तो ये फैक्ट को समझना जो है बहुत जरूरी है, और इस सिद्धांत को प्रतिपादित करना बहुत जरूरी है अगर भारत को विकास करना है। और दूसरा एक लॉजिक बोलता हूं कि क्यों भारत को हिंदू राष्ट्र या सनातनी राष्ट्र होना चाहिए। आप भारत के इतिहास को उठा करके देख लीजिए, जब भारत सोने की चिड़िया थी यानी विकास चरम पे था, जब हम विश्व गुरु थे, तो उस वक्त सोसाइटी में जो सिद्धांत थे, जो पैरामीटर थे, आप उसी सिद्धांत को फिर से लागू कर दीजिए, थोड़े दिनों में बन जाएंगे। डेफिनेटली उस वक्त आश्रम सिस्टम था और धर्म का पूरा प्रभाव राजसत्ता पे था, न्याय व्यवस्था में धर्म के हिसाब से चलती थी। तो इस चीज को समझना, अच्छा दुर्भाग्य से इस पे कोई डिबेट नहीं होती है, लोग ठीक तरीके से इन चीजों को लॉजिकल वे में प्रतिपादित भी नहीं कर पाते हैं, पब्लिक के सामने रख भी नहीं पाते हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। ये मुझे लगता है आपने इसका निचोड़ सारी बातों का किया, जाते जाते एक रैपिड फायर में खेलता हूँ वैसे तो, लेकिन आपके साथ मैं एक सीधा सवाल, क्या आपको लगता है जिस तरीके से मुर्दत हो रहे हैं लोग, यानी कि इस्लाम छोड़कर जा रहे हैं, लगातार पूरे विश्व में इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा ही चला तो इस्लाम के ना मानने वाले इतने बढ़ जाएंगे कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, क्या ऐसा होगा आने वाले दिनों में, यह स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्या आपको ऐसा लगता है क्या? हाँ। देखिए आप तो खुद मुमीन है, मुमीन मतलब जो बहुत जानकार होता है, मैं ये किसी भी धर्म का या एक ये प्राकृतिक नियम है, साइंस का भी ये नियम है, जिस चीज में ये पूरी सृष्टि और सृष्टि के अवयव यानी यूनिवर्स किसी फोर्स के प्रभाव में ये नहीं रह सकते हैं, ये इनको चाहिए स्वतंत्रता। किसी भी धर्म में वो उनकी जनसंख्या कितनी भी हो, अगर उनको सफोकेशन महसूस होती है तो वो बदलाव आना निश्चित है। जो चीज आपने अभी बोले कि इस्लाम को छोड़ने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है, तो उसके पीछे एक कारण ये है कि कहीं ना कहीं उनको सफोकेशन वहां पे महसूस हो रहा है, इसके कारण लोग छोड़ रहे हैं और उस सफोकेशन से वो आजादी चाहते हैं। जब आदमी को सफोकेशन से आजादी चाहिए, जो उदाहरण मैंने शुरू में दिया, घर से आप टाई वही पहन के चलिए, दुनिया भर को दिखाइए कि हम बड़े मॉडर्न है, टाई भी है, कोट भी है, ये भी है, 5 लबादे आपने ओढ़े हैं, लेकिन शाम को जब आप अपने कमरे में आएंगे तो आप अपने प्राकृतिक अवस्था में आते हैं, वो सारे लबादे 12 घंटे से ज्यादा आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, नेचर बर्दाश्त, आपका शरीर मतलब नेचर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। नेचर हमेशा नेचुरल तरीके से ही अपने आप को एग्जिस्ट करना चाहता है, और सो फॉर ह्यूमन बीइंग्स भी,
तो अभी देखिए ईरान में बुर्के या हिजाब के खिलाफ इतना जबरदस्त विद्रोह चला कि मुसलमानों ने ही, मुसलमान औरतों ने ही अपने जान की बाजी लगा दी। अब वहां पे तो कोई काफिर, मैं या आप तो नहीं थे ना, हमने तो कोई नहीं। खंडित नहीं किया ना कि भाई बुर्के पे क्या हो क्या नहीं हो, हमने तो कुछ नहीं बोला। तो ये क्या है, ये सफोकेशन से। देखिए मानव जीवन, मानव जैसा बुद्धिमान प्राणी और जानवर भी, पूरी प्रकृति अपने आप को नेचुरल तरीके से ही रखना चाहती है, और ये रिवोल्ट होगा डॉक्टर साहब। आज ईरान में हुआ, इंडिया में भी हो रहा है और बहुत सारे जगहों पे हो रहा है। टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन ये होगा कि जो सबसे सुटेबल उनको लगेगा नियम कानून रिलीजन पंथ, लोग उसको ज्वाइन करेंगे। और यही रीजन है कि जिसको सबसे सुटेबल बेनिफिट मिलता है किसी भी रिलीजन में, लोग माइग्रेट कर जाते हैं। कुछ बेनिफिट चाहे तात्कालिक या लॉन्ग टर्म, जो बुद्धिमान है वो हमेशा आइडियोलॉजिकल और लॉन्ग टर्म बेनिफिट को देखते हैं, जो हाँ आदर्शों को देखते हैं। जो लालची हैं, 1 किलो चावल पे बिकने वाले लोग हैं और जिनके जिंदगी का मतलब यह है कि एक खैरात बोरा में मुझे चावल। एक आंटी, हाँ वो तात्कालिक फायदे को देखते हैं कि जी मुझे कुछ पैसा मिल गया, नौकरी मिल गई, वो चेंज, और वो जिंदगी भर चेंज करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, अभी किया फिर छोड़ दिया फिर दूसरे में चले गए। सेटिस्फेक्शन उनको कहीं नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है नेचर के साथ ही मिलता है। और यही विवेकानंद ने किया था। विवेकानंद संत बनने के पहले वो मुस्लिम भी बने, सब बने, सब एक्सपीरियंस किया, उनको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अंत में उनको सेटिस्फेक्शन मिला जो प्राकृतिक धर्म है, सनातन धर्म, उसकी शरण में ही आकर के। मुझे लगता है अब जड़ों तक वापस लौटने का समय है। अब मैं ये आह्वान करता हूं कि अगर आपको वास्तविक शांति चाहिए, अगर आप कौन हैं ये आपको जानना है, और आप नेचर वाले धर्म पे आना चाहते हैं, और ये धर्म नहीं है, ये जीने का तरीका है, अगर तक उस पुस्तक वापस आना चाहते हैं, तो एक बार शाश्वत धर्म को समझे। शाश्वत धर्म क्या है ये आपको पता है, वो है सत्य सनातन। सत्य है सनातन, सनातन कदापि हिंदू और मुस्लिम धर्म से ना जुड़े। सत्य सनातन का मतलब है जो आदि अनादि काल से चल रहा है, जो एक्ट ऑफ नेचर है, एक्ट ऑफ नेचर तक आई। और आज हमने काफिर की निगाह में इस्लाम और इस्लाम की कहानी, काफिर की जुबानी समझी, और एके मिश्रा ने बहुत बेहतर तरीके से इस सारी चीजों को, सारी बातों को समझाया। और फिर किसी दिन फिर हम बैठेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे को एके मिश्रा जी से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग साथ जुड़े, इस मुद्दे पर बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, करते राष्ट्रीय में एक और चर्चा। हाँ ए मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज। शुक्रिया जनाब, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।